hopeless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. Hello bhaiyo, to kaise aap sabhi log? Main Shubham Sharma, apne ek naye video mein aapka swagat karta hun. तो आज आप फ्रेम में देख के समझ पा रहे होंगे कि आज हम कौन सी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट के बारे में, जो कि इसका बेस वेरिएंट है. इससे नीचे इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता है. मतलब इस गाड़ी में इससे नीचे कोई भी आपको ऑप्शन एनी अदर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है. लेकिन भाई यार, इस गाड़ी को आप चाहे बेस ले लो चाहे टॉप ले लो, भाई साहब इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है. ठीक है, ऐसी गाड़ी भाई साहब इसने अब जब से लॉन्च हुई है ना, तब तक थोड़ा लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ये इसकी लुक्स के बारे में. ठीक, फिर वो आंखों में सेट होने वाला लुक इसमें बन गया और भाई साहब क्या प्रीमियम लगती है, क्या गजब. ठीक है, तो उस शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से. फ्रंट में आपको देखो, मैं आपको फ्रंट से बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है. तो ऐसी कुछ आपको इसमें फ्रंट से लुक देखने को मिलती है. भाई साहब क्या गदर लुक देखने को मिलती है, गजब, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इसमें लुक देखने को मिल जाती है. ये ग्रिल आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है. यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सिल्वर शटर फिनिश और ऐसा कुछ आपको क्रोम फिनिश में आपको लोगो देखने को मिल जाता है. नीचे आपको इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, ये इसके DRL भी बोल सकते हो उसको, आपको पार्किंग लाइट्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. और इसमें आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल ही देखने को मिल जाता है. अपर वेरियंट्स में आपको टायर भीम LED लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंगल बीम LED लैंप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसमें लो बीम भी इसमें है, हाई बीम भी इसमें है, ये हेलोजन में आपको आता है. ठीक है, बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में. साइड से भाई साहब क्या गदर गाड़ी है, बहुत अच्छी. तो शुरुआत करते हैं इसके टायर प्रोफाइल से. इसमें आपको अपोलो के टायर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल आपको 205/65R16 इंचेस के आपको इसमें स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं. 5 नट आ पाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मेरे को लगती है ना इस गाड़ी में, एक सबसे बड़ी, मतलब हुंडई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ को यहाँ से हटा दो. पहले यहीं पर आता था लेकिन अब इन्होंने चेंज करके यहाँ पे डाल दिया, जो कि बहुत भद्दा लगता है. लेकिन ठीक है यार, अब 10,44,000 में आपको क्या ही मिलेगा एक्सोरूम प्राइस पे. ठीक है, बॉडी डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, मारुति जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक देती है, और बॉडी कलर्ड आपको मिरर्स देखने को मिल जाते हैं. अब बात करते हैं इसके रियर से. रियर में भाई साहब ऐसे कुछ आपको इसमें टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन में ही आपको देखने को मिलते हैं. ये आपके LED सेटअप है, जो आपकी लाइट में रात में ऑन होगा. हेडलाइट्स के साथ में ये इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट. नीचे की साइड आपको बैक गियर लाइट आपको दे रखी है. अच्छी खासी बड़ी क्रेटा की बैजिंग दे रखी है, हुंडई का लोगो और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसमें ऊपर ना के नीचे आता है. एक थोड़ा सा हुंडई से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी ये छोटी सी लाइट छोड़ के वेन्यू की तरह पूरी इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा तो बहुत प्यारी लगेगी. लोग बाग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, उससे बढ़िया लगा है कंपनी फील्ड में चिक्स की कोई भी होड नहीं होती है. ऐसा कुछ आपको उसमें बैक स्पॉयलर देखने को मिलता है, कोई भी शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि मैं वो आपका अंदर जवा के बताऊंगा. अब बात करते हैं इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के बारे में. इस गाड़ी में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा ये है. कोई भी आपको रियर वाइपर नहीं देखने को मिलता है, ना ही आपको डिफॉगर्स देखने को नहीं मिलते हैं. अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में. इंटीरियर से लगता नहीं है इस गाड़ी का बेस मॉडल है. एक आप इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम छोड़ दो, बाकी किसी से आप देखने के बता नहीं सकते. ये आपका ई वेरियंट है, जो कि बेस वेरियंट आता है. ठीक है, हुंडई द्वारा क्रेटा का ये बेस वेरियंट, इससे नीचे आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है. उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक SUV टाइप गाड़ी है, 5 सीटर. इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है और 2610 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है. अब बात करते हैं इसके डोर. ऐसे कुछ आपको पावर विंडोज कंट्रोल देखने को मिलता है, डोर लॉक अनलॉक, डोर को ग्रैप करने के लिए. ये आपको स्पीकर्स की
ओनली जगह दे रखी, कोई भी आपको इसमें स्पीकर्स देखने को नहीं मिल जाता है। ये बोतल वोटल थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस, और ये पेट्रोल फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा यार डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये लगती है मेरे को यार, इसमें वो टच वाला ही क्यों नहीं दे देते यार। इसकी क्वालिटी मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं। ये आपका पेट्रोल वेरियंट है, तो इसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर जाके, अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी देखने को मिल जाती है। मतलब ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को लगा बेस वेरिएंट में। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाता है ये वाला, और मैनुअल है, मैनुअल ही आता है ये ई वेरिएंट। अब तो ऐसा कुछ आपको हुंडई क्रेटा बेस वेरिएंट का पेट्रोल का इंटीरियर देखने में लगता है, जो कि काफ़ी सिंपल एंड फ्यूचरिस्ट, मतलब नॉर्मल से आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। टिल्ट ही देखने को मिल जाता है, कोई भी आपको टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है स्टीयरिंग एडजस्टेबल्स। और भाई साहब बात करूँ ना, क्या बड़ी गजब लग रही है, बहुत अच्छी, मेरे को तो बहुत प्रीमियम फील दे रही है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से, आपको डी कट अलॉय स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। ड्यूअल एयरबैग आपको स्टैंडर्ड कर दिए गए, तो आपको ड्यूअल दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके एमआरडी कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके हेडलाइट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके मैनुअल ही आती है, और वाइपर्स के जो भी आपके मैनुअल ही आते हैं। ठीक है, बात करें इस गाड़ी में आपको स्पेस के बारे में, स्पेस मेरे को बैठने में लग रहा है काफ़ी अच्छा है, और फैब्रिक सीट्स आपको इसमें दी जाती है, जो कि कुशनिंग्स काफ़ी ठीक भी नहीं है तो काफ़ी बेकार भी नहीं है। ये देख के आपको लग रहा होगा इसमें यार टच स्क्रीन दे रखी, नहीं भाई ये पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस गाड़ी के एसी कंट्रोल्स के बारे में, आपको नॉर्मल एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, लेकिन इनका यार जो प्लेसमेंट है ना वो मेरे को ठीक नहीं लगा, मैं इनको ठीक किया जा सकता था। ठीक है, ऐसे कुछ आपको इसमें हेड लाइट्स का बटन दिया जाता है, ऐसे कुछ आपको इसमें एसी बैट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक्चुअल में इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल IRVM, कोई भी आपको लैम्प रीडिंग लैम्प्स या फिर सनरूफ के कंट्रोल, सनरूफ तो आती ही नहीं है खैर इसमें, ऐसे कुछ आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है, सनशेड्स मिरर के साथ में, यहाँ पे आपको कोई भी लाइट दी नहीं जाती है। एक मेरे को थोड़ी सी शिकायत लगी, भाई यार इनको तो थोड़ा नहीं देना चाहिए था यार, 10 लाख चमानी से दरमियान ये थोड़ा एक्सेप्ट करेगा आदमी आपसे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अब है जो चीज़ यही है। और यहाँ पे आपको ट्रॉली का शॉकेट भी दिया जाता है। क्लच ट्रैवल की बात करो, क्लच ट्रैवल आपको बिल्कुल कम क्लच ट्रैवल देखने को मिल जाता है। ग्लोबैक्स ठीक है, नॉर्मल साइज आपको, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, 6 स्पीड गेयर बॉक्स, छोटा सा आर्मरेस्ट जो कि नॉट स्लाइडेबल है, और कुशनिंग के साथ में आता है, कोई भी प्लास्टिक के साथ में नहीं आता है। ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको देखने में मिलता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है मेरे को लगता है। अब मैं बताता हूँ इस गाड़ी के आपके थोड़े फीचर्स के बारे में। ठीक है, इस गाड़ी में आपको फीचर्स के मामले में कुछ भी दिया नहीं जाता है, मतलब नॉर्मल जो फीचर्स दिए जाते हैं, मतलब छोटे मोटे वो तो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ABS, EBD वगैरह जो भी है वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसे कुछ आपको इसमें MID देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपका टैकोमीटर इधर आता है, स्पीडोमीटर इधर आता है, यहाँ पे आपका फ्यूल दिखाता है, और ये आपके इंजन टेम्परेचर को शो करता है। TPMS आपको दिया जाता है, जो कि आपको ड्राइव टू डिस्प्ले ही होगा, और लाइट, साउंड, और फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड, ड्राइव इंफॉर्मेशन, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका कितने 1 लीटर में कितना गाड़ी आपकी चल रही है। ठीक है, और सॉरी क्या होता है, डिस्टेंस टू MT, मतलब कितना रेंज में आप कितनी चल सकते हो, ऐसे कुछ आपको इसमें नॉर्मल फीचर दिए जाते हैं। भाई साहब एक सिंगल सेल्फ में गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी अच्छा मेरे को ये फीचर लगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस के बारे में, रियर में क्या क्या कुछ आपको इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है, कितना कुछ आपको फ्रंट में बैठने के बाद में, जो मेरी जैसे हाइट का बंदा बैठने के बाद में, कितना कुछ आपको इसमें रियर में स्पेस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस गाड़ी के रियर पैसेंजर साइड डोर के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं उसके डोर की थ्रिल। भाई डोर की थ्रिल से तो पता नहीं लगता इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, लेकिन जैसे यहाँ पे करोगे ना आपको पता लगता है, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिश दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सा लगता है, लेकिन ये आपको लाइट कलर में ही अच्छा लगता है, ब्लैक कलर में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में, तो ये आपको सॉफ्टेस्ट गाड़ी में कहीं भी नहीं दिया जाता है स्पेस के मामले में। भाई साहब लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको हाइट एडजस्टेबल आर्मरेस्ट रियर में देखने को नहीं मिलता है, हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही आपको कोई आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मेहरबानी हो गई।
लाइट और ये आपको थोड़ा बहुत फोन वगैरह रखने इस पर ऐसा कुछ जब पीछे से आपका डैशबोर्ड देखने में लगता है काफ़ी अच्छा ये लगता है ऐसा कुछ आपको उसमें नॉर्मल ग्लेव एंडेंस देखने में आता है रीडिंग लैम्प नॉर्मल है यार ये थोड़ा दे देना चाहिए अच्छा तो अच्छा होगा लेकिन अब जो है ठीक है पावर विंडोज आपको चारों देखने को मिल जाती हैं ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है और मेरे को फील भी आ रही है इस गाड़ी में ऐसी बात नहीं फील नहीं आ रही काफ़ी अच्छी इसमें आपको फीलिंग्स भी आ रही हैं कि हाँ अपन बैठे हैं 12 लाख की गाड़ी में ठीक है अब बात करते हैं इसके जो मेन कंसल्ट है पूरा स्पेस देने के बाद में रियर में बूट स्पेस कितना आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि एक मेन कंसल्ट है इस गाड़ी के लिए 5 सीटर होने के बाद में आपको कितना बूट स्पेस इसमें ऑफर किया जाता है ठीक है बूट स्पेस नो डाउट आपको काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाता है इस गाड़ी में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है ठीक है और एक मेरे को थोड़ा सा कंसर्ट लगा इस गाड़ी का अगर आप पीछे की सीट आपको डाउन करनी है ना तो कोई भी 60-40 स्पीड देखने को नहीं मिलता है और स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको अपोलो का स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है इसमें आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं गई वही देखो 265/65/16 16 इंच का ही आपको स्टील रिम देखने को मिल जाता है ये थोड़ी बहुत टूल किट और हैंडल कुछ भी रख टाँकने के लिए कोई भी आपको बूट लैंप वगैरह नहीं दिया जाता इस गाड़ी में ना कोई पास फिल्टर दिया जाता है ये अच्छा हुआ ये थोड़ा सा और ये बूट को ग्रैब करने के लिए पीछे के आपको बूट ओपन करने के लिए एक सेंसर दिया जाता है अब बात करेंगे भाई इस गाड़ी की के बारे में भाई की में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है भाई नॉर्मल जो अपन देखते हैं ना नॉर्मल जो देखते हैं भाई बेस वेरियंट्स में आपको कुछ भी की देखने को नहीं मिलती लेकिन इससे मुझे बड़ी खुशी हुई यार इसमें आपको की में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है वही आपको फ्लिप की देखने को मिल जाती है दोनों ही और लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखोगे तो आपकी बूट अनलॉक हो जाएगी कोई भी ओपन नहीं होगी और उससे पहले मैं आपको बता दूँ देखो यहाँ पे आपका एरोडायनेमिक्स के लिए वो भी दे रखा है जिससे आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में तो आप जानते ही हो ठीक है अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में क्या क्या आपको इसमें इंजन स्पेसिफिकेशंस किए दिए जाते हैं एक थोड़ा सा मेरे को कंसल्ट है यार सभी कंपनियों से हिंडई से ही नहीं एक महिंद्रा को छोड़ के सभी कंपनियों से कंसल्ट है कि जैसे फ्रंट वुड ओपन हो ना इसके हजार्ड लाइट्स ऑन हो जाने चाहिए यार ये चीज़ आपको महिंद्रा से सीखनी चाहिए मतलब छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं और पता भी लगता है कई बार ओपन रह जाता है और कई बार इस चीज़ से एक्सीडेंट्स भी होते हैं ऐसे में आपको इसमें इसका इंजन बे देखने को मिलता है जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ में आता है मतलब ई वेरिएंट है पेट्रोल में और इसमें आपको 113 की BHP और 143 Nm का टॉर्क निकाल के दे देती है गाड़ी जो कि काफ़ी बढ़िया है एमरोन की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है विंडशील्ड वॉशर ठीक है अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स के बारे में प्राइस के बारे में क्या क्या कुछ आपको इसमें और एड ऑन हो सकता था भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स के और लुक्स के बारे में उससे पहले मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ आपको इसमें नॉर्मल वाइपर्स दिए जाते हैं ठीक अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स के बारे में लुक्स के मामले में भाई गाड़ी की कोई कमी नहीं है ठीक है और लगता नहीं है ये 10-12 लाख की आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है एक्सरूम प्राइस पे ठीक है ओवरऑल लुक्स की बात करें काफ़ी अच्छी आपको इसमें लुक्स देखने को मिल जाती है ठीक है तो अब ये गाड़ी आपको क्या प्राइस पे देखने को मिल जाती है ये गाड़ी आपको अरुण ह्युंडई दौसा में ठीक है 10,44,000 की एक्सरूम प्राइस पे देखने को मिल जाती है जो कि मेरे हिसाब से कोई भी घाटे का सौदा नहीं है ठीक है वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और गाड़ी कैसी लगी ये वीडियो को अभी पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अभी बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है और अगर कोई भी इस गाड़ी को दिल से चाहता है ना तो यार एक लाइक जरूर करके जाना ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच